नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HDFC की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा मतलब FD से 2 से 3 गुना रिटर्न आप आराम से ले सकते हो। HDFC साथियों भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, सबसे बड़ा और अच्छा बैंक है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट है HDFC बैंक के, और HDFC बैंक की ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो मार्केट में अभी करंटली चल रही है और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। इसके लिए आराम से इसके अंदर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और साथियों, क्या कुछ खास है स्कीम के अंदर, क्या कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है तो कितना मिलेगा, ये आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों, और वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों यारों। साथियों, सबसे पहले बात करें तो ये स्कीम का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड, यानी कि एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। ये इंडेक्स में स्मॉल कैप आता है, उसके अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप इसमें पैसा डालिए, खाली स्कीम के बारे में बताता हूँ। म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में जाता है, उसमें रिस्क रहता है, इसलिए आप पैसा डालिए, लेकिन दो लोगों को पूछ के, जान बूझ के, समझ के डालिएगा, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, ये स्कीम के अंदर रिटर्न की बात करें तो इसने रिटर्न दिया है 1 साल में 40% छप्पड़ फाड़, यानी कि 40% रिटर्न है 1 साल का। अभी बात करते हैं 3 साल, तो 3 साल का इसका रिटर्न है 41%, और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसने रिटर्न निकाल के दिया है 19.02, यानी कि 19% रिटर्न निकाल के दिया है। अभी साथियों, इसका ऑल टाइम रिटर्न, यानी कि जब से फंड आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 20.36%, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है ये फंड के अंदर। अभी दोस्तों बात करते हैं ये फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आप इसके अंदर SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SIP यानी क्या? SIP यानी कि हर महीने आपको पैसा जमा करवाना है, 500 500, 1000 1000, 2 2000, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ज़्यादातर नौकरी वाले, सैलराइड क्लास, ये SIP करवाते हैं। और दूसरा है लमसम, यानी कि मेरे पास पैसा पड़ा है 2-5 लाख रुपया, मैं डाल दूँ तो इसको बोलते हैं लमसम। लमसम तरीके से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी साथियों बात करते हैं फंड साइज, इसकी फंड साइज है 21,066 करोड़, यानी कि इतना सारा पैसा लोगों ने लगाया हुआ है फंड के अंदर, इतना सारा पैसा लगा हुआ है। अभी एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यानी कि म्यूचुअल फंड हमारे पास पैसा लेता है फिर डालता कहाँ है, अलग अलग कंपनियों में, तो वो सब करता है, उसके लिए हमारे पास चार्ज लेता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। वो है 0.76, यानी AP अच्छा है, 1% के नीचे है। और एग्जिट लोड 1% है, यानी कि हमें नहीं रखना है, निकल जाना है, भाई मुझे बंद करो है, 2-4 साल बाद आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे बंद करना है, नहीं रहना है स्कीम में, तो 1% पेनल्टी काट के आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा। अभी HDFC स्मॉल कैप फंड हमारे पास तो पैसा ले लेती है, लेकिन पैसा डालती कहाँ पे है, यानी कि कौन कौन कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में 4.5% है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4% है, फिर फर्स्ट सोर्स आउटसोर्स सॉल्यूशन में है 3.5%, फिर बजाज इलेक्ट्रिकल में है 3.5%, IDFC लिमिटेड में है 2.5%, पावर मैच कॉरपोरेशन में है 2.5%, SKF इंडिया में है 2.5%, ईक्लर्क्स सर्विस लिमिटेड में है 2.5%, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में है 2.5%, यानी कि अच्छी अच्छी और स्मॉल कैप कंपनी है जो फ्यूचर में जाके बड़ी बन सकती है, इसके अंदर पैसा डाला है ये स्कीम ने। अभी साथियों बात करते हैं आप कितना पैसा डालोगे तो कितना मिलेगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1500 रुपये की, अगर हमने 1500 रुपये डालेगा तो 10 साल 20 साल में कितना बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो 1500 रुपये अगर आप 10 साल के लिए लगाते हो तो आपके जेब से जाएगा 1,80,000, और उसके सामने मिलेगा 5,74,000, यानी कि 3 गुना पैसा हो जाएगा आपका 10 साल के अंदर। भाई 5 लाख में क्या, 10 साल बाद क्या आएगा, अभी रुको थोड़ा सब्र करो, 15 साल अभी हम चलाए ये स्कीम, 1500 रुपये 15 साल तक, तो आपका पैसा जाएगा 2,70,000, और वहाँ भी सामने आपको मिलेगा 70,01,000, यानी कि खाली 5 साल स्कीम बढ़ाओ और रिटर्न पाओ 3 गुना। अभी दोस्तों 1500 रुपये हम 20 साल लगाते हैं तो आपकी जेब से, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000, और उसकी सामने मिलेगा 47,42,000, यानी कि 47 लाख रुपया, है ना दोस्तों, कमाल की चीज़। खाली 1500 लगाओ और 20 साल में मिलेगा 50 लाख। अभी आगे बढ़ते हैं, अगर 1500 रुपये हमने 25 साल तक लगाए तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,50,000, और उसके सामने रिटर्न मिलेगा 1,29,00,000, यानी कि 1.25 करोड़ रुपया मिलेगा 25 साल बाद आज से 1500 लगाओगे। और 1500 रुपये हम 30 साल तक लगाएंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,40,000,
और उसके सामने मिलेगा 3,50,00,000। उठकर आ गया, यानी कि दोस्तों काफ़ी अच्छी स्कीम है। आज ही आप HDFC का कोई भी फंड, ये स्मॉल कैप फंड खरीदिए, 500,000 से स्टार्ट कीजिए और आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। जय हिंद, जय भारत।